अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है Amazon वर्चुअल असिस्टेंट का लेक्चर नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में, जिसे प्रोडक्ट रिसर्च भी कहते हैं, और वो भी प्रैक्टिकली। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग आखिर होता क्या है और कैसे होता है। प्रोडक्ट हंटिंग डिपेंड करता है आपके क्लाइंट पे कि वो किस मार्केट प्लेस से है और किस मार्केट प्लेस के बारे में वो प्रोडक्ट हंटिंग करवाना चाहता है। मसलन अगर वो यूके में प्रोडक्ट हंटिंग करवाना चाहता है तो आप amazon.co.uk पे क्लिक करें या इसकी वेबसाइट ओपन कर लें, आप इसमें प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, ओके। और अगर आपका क्लाइंट US का है तो आप इसी तरह amazon.com को ओपन करेंगे। ये ना हो कि आपका क्लाइंट हो UK का और आप amazon.com ओपन करके प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हो। मसलन अगर आपने UK के लिए आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, आपका क्लाइंट UK का है और आपने amazon.com ओपन की है, तो आपको सारी अमेरिकन प्रोडक्ट्स दिखाई देंगी और आप इस पे एनालिसिस वगैरह करेंगे तो सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स का करेंगे और आपकी सारा प्रोडक्ट हंटिंग बेसिक से ही गलत हो जाएगी। मिसाल लेके चलते हैं, हमारा क्लाइंट है US का, हमने amazon.com ओपन कर ली। जब आपके सामने amazon.com ओपन होगी, फॉर एग्जांपल ये मार्केट प्लेस US की है, तो सबसे पहले आपने जो स्टेप करना होगा, आपने डिलीवर टू, यहाँ पर ये देखें पाकिस्तान आ रही है आपकी लोकेशन, इसको चेंज करना होगा। क्यों? ये देखें मार्केट ये US की है, मगर आपने यहाँ पर लोकेशन चेंज ना की तो आपको सारी प्रोडक्ट्स वो दिखाएगा जो सिर्फ पाकिस्तान को डिलीवर होंगी, ओके। आपका क्लाइंट US का है और वो US के कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट हंटिंग करवा रहा है, इसलिए आपने सबसे पहले यहाँ पर लोकेशन चेंज करना होगी। लोकेशन कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पर आप यहाँ पर डायरेक्टली जाकर US के किसी स्टेट का जिप कोड दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क का है 10001, और अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक किया, ये देखें न्यूयॉर्क की आपके पास डिलीवरी लोकेशन आ गई। आप कहते हैं जी मुझे जिप कोड का नहीं पता, तो सिंपली यहाँ पर जाएं गूगल में और टाइप कर दें न्यूयॉर्क जिप कोड, एंटर मारें, आपके पास सामने ये देखें सारे जिप कोड आ जाएंगे। इस तरह अगर आपकी मार्केट प्लेस है UK की, तो आप UK की ओपन करके यहाँ पर वहाँ का जिप कोड एंटर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये होगा प्रोडक्ट हंटिंग में। दूसरा स्टेप, यहाँ पर जो ऑल डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर किसी डिपार्टमेंट को आपने नहीं छेड़ना, ऑल डिपार्टमेंट्स ही रहने देना है, ओके। नेक्स्ट स्टेप करना होगा कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड सर्च करना होगा यहाँ पर। कीवर्ड्स क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि कीवर्ड किसी भी प्रोडक्ट का नाम वगैरह जो कस्टमर यूज़ करता है किसी प्रोडक्ट को सर्च करने में। यहाँ पर आपने एंटर कर दिया फॉर एग्जाम्पल कप, एंटर मारा, ये देखें आपके सामने कप्स के रिजल्ट शो होने लग पड़े। प्रोडक्ट हंटिंग सारी गेम ही कीवर्ड्स की है, जो कि मैंने आपको बताया। यहां पर जैसे आपने बेबी, टॉयज, डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स आपने रिसर्च करने हैं। ये देखें आपके सामने बेबी टॉयज आ गए। इसी तरह आपने कीवर्ड्स के आइडियाज़ लेने हैं, यहाँ पर आप कोई भी सर्च कर सकते हैं, ज्वेलरी वगैरह, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें, टॉयज़ वगैरह, स्पोर्ट्स की चीज़ें। ये देखिए कितना आसान है प्रोडक्ट हंटिंग, ठहरिए इतना भी आसान नहीं है। अगर आप इसी तरह के कीवर्ड्स को प्रोडक्ट हंटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही मुश्किल है आप विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकें, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन कीवर्ड्स हैं और इसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। आपको यूनिक किस्म के कीवर्ड्स तलाश करना होंगे, फॉर एग्जाम्पल पहली दफ़ा आपने सुने हो, ठीक है, जिसमें कंपटीशन लो हो। हम प्रोडक्ट हंटिंग में चीज़ें ही दो देखते हैं, कंपटीशन और डिमांड, ओके। अब आप इधर कहते हैं मैं न्यू कमर, मैं यूनिक आइडिया कहाँ से लाऊं, तो इसके लिए हम फिर यूज़ करेंगे डिफरेंट टूल, जैसे कि Helium 10 और जंगल स्कॉट वगैरह। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जिससे प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च वगैरह की जा सकती है, जैसे कि वायरल लॉन्च कीपर वगैरह, मगर ये दो टूल ही मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इन दो टूल से हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी प्रोडक्ट हंटिंग की, जो कि हमें चाहिए। अब आपको समझ लग गई होगी कि प्रोडक्ट हंटिंग में मेजर टू स्टेप्स होते हैं। पहला होता है प्रोडक्ट का कीवर्ड्स तलाश करना, जो कि कीवर्ड्स हम इनकी वेब वर्जन से करेंगे, जंगल स्कॉट की वेब वर्जन से करेंगे और Helium 10 के वेब वर्जन से करेंगे।
और दूसरा स्टेप होता है कि जो भी कीवर्ड हमने तलाश किया उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस हम किससे करेंगे? इसकी एक्सटेंशन से, जो कि जंगल स्कॉट की भी है और हीलियम 10 की। हम दोनों टूल्स को एट अ टाइम यूज करके आपको बताएंगे कि किस तरह आपने प्रॉपर प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। सबसे पहले हम जाएंगे जंगल स्कॉट में और देखेंगे यूनिक आइडिया हम कैसे लें किसी प्रोडक्ट का। यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करें लेफ्ट साइड पे तो आपके सामने ये सारे मेन्यू शो होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट रिसर्च पे क्लिक किया और यहाँ पर ये देखें अपॉर्चुनिटी फाइंडर पे आपने क्लिक कर देना है। जो ही आपने अपॉर्चुनिटी फाइंडर पे क्लिक किया आपके सामने ये विंडो शो होने शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आपने अपनी मार्केट प्लेस को सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें US की भी है, कनाडा, मेक्सिको, जर्मनी और इंडिया वगैरह, ये सारी मार्केट प्लेसेस में अवेलेबल हैं। हम यूएस के क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, सो US पे क्लिक किया और यहाँ पर ये देखें प्रोडक्ट कैटेगरी है। अब आपका इंटरेस्ट किस कैटेगरी में है, आपने वो वाली कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आपने यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, जी मुझे स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में कोई प्रोडक्ट देखना है। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर पे आपने क्लिक किया, यहाँ पर ये देखें लेफ्ट साइड पे आपके पास और भी ऑप्शंस फिल्टर्स हैं जो कि हम फर्स्ट टाइम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हम अभी बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे हैं, बेसिक लेवल पे हैं, हम जेनेरिक ही जाएंगे। यहाँ पर ये देखें अगर आप एडवांस लेवल पे रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं कि किसके मंथली यूनिट कितने होने चाहिए उस प्रोडक्ट के, प्राइस कितनी होनी चाहिए, मंथली सर्च वॉल्यूम कितना होगी एंड सो ऑन। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर सर्च पे क्लिक कर देंगे। जो ही हमने सर्च पे क्लिक किया ये अपॉर्चुनिटी फाइंडर ये देखें इसने आपके सामने 97,319 कीवर्ड्स के आइडियाज़ आपको दे दिए हैं। ये देखें कितने ज़्यादा हैं। यहाँ पर इसका अगर आप टाइटल देखें, निश वगैरह कैटेगरी कौन सी है, एवरेज यूनिट कौन से हैं, मंथली इसकी प्राइस कौन सी है एंड बहुत कुछ, हम इन सब को अभी स्किप करेंगे। हम सिर्फ देख रहे हैं कीवर्ड्स, डिफरेंट टाइप के आप कीवर्ड्स आप यहाँ पर आइडियाज़ लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें आपको डिफरेंट मिलेंगे, जैसे कि लेग रेजिस्टेंट ब्रांड, नाइकी टेनिस शर्ट, नाइकी टेनिस स्कर्ट, ये देखें बहुत ज़्यादा है इसमें, बहुत ही ज़्यादा। आपको यहाँ पर आपको ऐसे भी मिलेंगे कि आपने फर्स्ट टाइम उनके नाम सुने होंगे, स्पोर्ट्स स्लीव्स, ये देखें आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है इसके बारे में, आप यहाँ पर ये देखें छोटा सा आपके पास आइकॉन बना हुआ है अमेज़ॉन पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये प्रोडक्ट शो हो जाएगी कि कौन सी प्रोडक्ट आपने यहाँ पर देखी है, कौन सा कीवर्ड देखें, ये देखें स्लीव्स, स्पोर्ट्स स्लीव्स, यूनिक है ना। इस तरह आपने अपनी इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी अपने आइडिया ले लेना है। ये देखें बहुत ज़्यादा है, हम कोई यूनिक यहाँ पर देखेंगे कि बोट चेयर, ओके यहाँ पर ये देखें कोई सा भी आपको पसंद आ जाए, 10 ड्राई बैग, ओके हम कोई एक कीवर्ड यहाँ से पिक कर लेते हैं कि जिस पे हम अपना एनालिसिस कर सकें। आप भी कर लीजिएगा स्क्रॉल, ये मैंड पे पहुंच गया, थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं देखते हैं कि कोई अगर हमें यूनिक कोई कीवर्ड ले, जैसे कि ब्रास टूल, आई होप कोई मुझे मिल जाए जिस पे आपको मैं एनालिसिस करके दिखा सकूं। ओके थोड़ा सा ये शर्ट, ये क्या चीज है जी, ये देखें जी पिट वाइपर सेफ्टी ग्लासेस, इस पर क्लिक कर लेते हैं, ये क्या चीज़ है देखते हैं जी। ओके फाइन, ये स्पॉन्सर्ड आ गई पहले वाली और ये प्रोडक्ट है जी, हम इस पर अपना एनालिसिस करेंगे कि ये इसके क्या ट्रेंड्स है मार्केट में, क्या कंपटीशन है, क्या प्राइस वगैरह है, इसको देखेंगे। ओके अब हम देखते हैं कि हीलियम 10 पे हम कीवर्ड्स के आइडियाज कैसे ले सकते हैं। हीलियम 10 पे हमने क्लिक किया, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो ऑप्शंस हैं प्रोडक्ट रिसर्च पे क्लिक किया, यहाँ पर बहुत ही फेमस टूल है इनका ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स पे हमने क्लिक किया। ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जो कि है ये। यहाँ पर सबसे पहले हमने अपनी मार्केट प्लेस को सिलेक्ट कर लेना है जो कि US की है, ओके US, इसके अलावा कनाडा वगैरह, amazon.it, इटली वगैरह, यहाँ पर ये अवेलेबल है। amazon.com हमने सेलेक्ट कर ली, इसके बाद हमने कीवर्ड्स पे क्लिक किया क्योंकि हम अभी कीवर्ड्स का आइडिया ले रहे हैं।
यहां पर सेम इस तरह कैटेगरी में जाकर आपने कैटेगरी में जाके आपने स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स पे क्लिक किया, उसके बाद और किसी फिल्टर को अभी टच करने की जरूरत नहीं, और सर्च पे क्लिक कर दिया। जो ही आपने सर्च पे क्लिक किया, ये थोड़ा सा टाइम लेगा रिसर्च करने में, और देखते हैं कितना टाइम लेता है। सर्च कंप्लीट होगी, उसके बाद हमने स्क्रॉल डाउन देखा, देखें 200 प्लस प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स के आइडियाज इसने हमें दे दिए हैं, जैसे कि डेविड शिमर, उसके बाद एक्सरसाइज इक्विपमेंट, ओके, विंटर मास्क। ये देखें, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स वगैरह हैं इसमें। हम ये देखना हो कि ये अमेज़ोन पे कहाँ कैसे दिखाई देंगी, यहाँ पर आप व्यू ऑन अमेज़ोन पे क्लिक करेंगे। ये देखें, ये आपके पास आ गई ये वाली प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसी तरह हम कीवर्ड के आइडिया जनरल स्कोर से भी ले सकते हैं और हीलियम 10 से भी ले सकते हैं, ओके। यहाँ से ले लें, मैंने यहाँ से कीवर्ड का आइडिया ले लिया जी, पिट वाइपर सनग्लासेस, ओके। इसका हम थोड़ा सा नाम चेंज कर लेते हैं, जैसे वाइपर्स सनग्लासेस, ओके। यहाँ पर हमने करके ओके पे क्लिक कर दिया, ये हमारे सामने इसके रिजल्ट शो हो गए। इसको बंद कर देते हैं। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, जो था कीवर्ड का सर्च करना, कीवर्ड रिसर्च, ओके। कीवर्ड्स हमने सेलेक्ट कर लिया, वाइपर सनग्लासेस, और अब सेकंड स्टेप होगा जिसे कहते हैं कि एनालिसिस करना, जो आपने कीवर्ड लिया है उसका एनालिसिस भी करना होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और 90s मेंटोर को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।